हरमन और सौम्या के प्यार ने बहुत अग्नि परीक्षा दे दी ऑलरेडी, लेकिन शायद इनकी किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा ही नहीं है। भगवान को कुछ और ही मंजूर है। प्रीतो के शर्त के मुताबिक नवरात्रि खत्म होने से पहले हरमन को सौम्या मिल तो जाएगी, लेकिन दोनों फिर भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे। दरअसल होगा यूं कि प्रीतो के दबाव में आकर हरमन और सुरभि की शादी हो जाएगी। फिर उसके बाद किन्नर पूजा के दिन जब सौम्या बाकी किन्नरों के साथ मंदिर जाएगी, तब हरमन का दोस्त कौस्तुब उसे मिल जाएगा, जो खुद किन्नर के जैसे कपड़े पहनकर आएगा। वो सौम्या को अपना फोन देगा और सौम्या फाइनली हरमन से बात कर पाएगी, जिसके बाद हरमन सौम्या को बचा लेगा और वापस अपनी दुनिया में ले आएगा। लेकिन जब सौम्या को हरमन और सुरभि की शादी के बारे में पता चलेगा, तब उसका दिल टूट जाएगा। अब ये देखना काफी एक्साइटिंग होगा कि आगे क्या होने वाला है।